वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन। आज मेरे पास है बजाज पल्सर NS 200। दिस इज़ द कम्प्लीट न्यू कलर। अब ये कलर कॉम्बिनेशन में आपको तीन कलर देखते हैं। पीछे मैट आपको ब्लैक दिया गया है, यहाँ पर रेड दिया गया है, एंड ये जो चेसी और फ्रेम जो है उस पर आपको व्हाइट कलर दिखेगा। सो इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुआ है वो आपको मैं क्विकली बता देता हूँ, फिर एक छोटा सा हम इसका राइड मारेंगे। सामने जो आप मडगार्ड जो फेंडर देख रहे हैं उसके ऊपर कार्बन फाइबर का फिनिश दिया है, यहाँ पे ABS लिखा हुआ है व्हाइट में। इसका जो एलॉय व्हील्स है उनको कम्प्लीटली व्हाइट कर दिया गया है। यहाँ पे जो बॉडी कलर से मैच करता हुआ स्टिकर दिया है रेड कलर का। बाकी सामने कुछ चेंजेस हुए नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पार्ट जो है दो स्टिकर्स यहाँ पे दिए गए हैं दोनों तरफ। दिस लुक्स गुड। ये जो मैच करता है बॉडी का जो कलर है, जैसे टैंक वगैरह का कलर है रेड कलर, उससे मैच करता हुआ दिया गया है। यहाँ पे कंप्लीट रेड दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो NS 200 व्हाइट में लिखा हुआ, यहाँ पे एक व्हाइट कलर का स्ट्राइप दिया गया है, और ये वाला जो कलर है इसको पूरा व्हाइट कर दिया गया है। फ्यूल इंजेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी पीछे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे ये वाला जो कलर है ये एकदम से मैट ब्लैक NS 200 रेड एंड व्हाइट में लिखा हुआ है। यहाँ पे व्हाइट कलर की एक स्ट्राइप दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा और रेड कलर दिया गया है। पीछे की तरफ आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे रेड कलर का एक स्टिकर दिया गया है। सो ओवरऑल बाइक कुछ ऐसे दिखती है। अब आप लोग बताइए कि आपको ये कलर कैसा लगा। आपको ऑन रोड प्राइस पड़ेगा 1,55,000। शोरूम की डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब इसको लेके चलते हैं राइड पे। इसको भी कार्बन फाइबर का फिनिश दिया है। पीछे का जो अलॉय व्हील्स है उसको भी व्हाइट कर दिया गया है। ये रेड कलर का स्ट्राइप्स इसके ऊपर भी दिया गया है। अब चलते हैं इसकी राइड पे। पावर वगैरह में कुछ फ़र्क नहीं आया है। वैसे आपको पता है कि जितने भी बाइक्स हैं सबको BS6 इंजन के साथ लॉन्च कर दिया गया है। जो स्ट्रीट नेकेड बाइक होती है ना उनका हैंडलिंग ट्रैफिक में बहुत अच्छा होता है, इसकी तो बात ही अलग है। ये वाली बाइक है NS 200, Duke 200 या फिर R15, ये सब जो बाइक्स हैं ना ये कॉलेज जाने वालों में बहुत फेमस है, इनका कंपटीशन भी बहुत रहता है। ये बात तो कहनी पड़ेगी यार, जितने BS6 इंजन है वो सब बहुत रिफाइंड हो चुके हैं पुराने वाली जो बाइक्स आती थी ना उनसे कंपेयर करूँ तो। अब इसमें मिरर्स वगैरह नहीं लगाए हैं बिकॉज मैंने इसको वीडियो बनाने के लिए शोरूम से लिया है, तो जब आप बाइक लोगे तो आपको मिरर्स लगे हुए मिलेंगे, तो इनको इग्नोर कर दीजिए। एंड हम ज़्यादा लंबा टेस्ट राइड भी नहीं मार रहे हैं, तो पूरा केयरफुल होके बाइक को राइड कर रहा हूँ। पावर के हिसाब से बात करूं तो ये 199cc का इंजन है, लिक्विड कूल्ड है, 6-speed गियरबॉक्स इसमें मिलता है आपको, 24.5 BHP का पावर है, ऑलमोस्ट 18.5 Nm का टॉर्क है। बटर स्मूथ है बाइक। आई स्टिल रिमेम्बर जो पुराने वाला जो NS 200 था उसमें थोड़े वाइब्स वगैरह आते थे, लेकिन ये वाला तो अलग ही लेवल का यार। वेट भी बाइक का ज़्यादा नहीं है और वेट तो बिल्कुल फील होता ही नहीं। जो स्ट्रीट नेकेड बाइक्स होती हैं वो इजी टू राइड होती है। वाह भाई वाह। जिसको थोड़ी फास्ट बाइक चाहिए एंड थोड़ी अच्छी लुक्स वाली चाहिए, अब तो ये जो कलर है इसमें तो लुक्स बाइक का और भी निखर के आ रहा है, तो ज़्यादा स्पोर्टी दिखती है। और आपको ये कलर कैसा लगा स्पेशली वाइट कॉम्बिनेशन के साथ, बिकॉज मेरे पुराने जो वीडियो मैंने डाले थे NS 200 एंड NS 160 के, बहुत सारे लोगों को वो वाइट जो कलर है पसंद नहीं आया, तो आपको ये कलर कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हैं। मुझे ये टैंक का जो कलर है रेड वाला वो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो ये छोटा सा टेस्ट राइड था। आई होप आपको जो मैंने डिटेल दी है वो अच्छी लगी होंगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। अगर आप इसको बुक करना चाहते हो तो 1,55,000 रुपीज़ आपको ऑन रोड प्राइस पड़ेगा हैदराबाद का। शोरूम का डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएगा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके और कुछ क्वेश्चन है ये बाइक के बारे में तो आप मुझे डायरेक्टली पिंग कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID वो है प्रकाश चौधरी, बाइकर प्रकाश चौधरी, वो आपको नीचे मिल जाएगा उसका लिंक भी। तो भैया बोल रहे हैं कि सीट भी इसकी कम्फर्ट है। ये डिज़ाइन वगैरह अभी दिया है, पहले वाले में नहीं था ये सब। ये ग्रिप के लिए दिया हमें सर। कितना दे रही माइलेज वो? वो मेरा 30-35 के भी नीचे दे रहा, कभी कभी 25 भी दे रहा। ये कंफर्ट में अच्छा है वो ना। ये ठीक लगा मेरे को, इवन सीट वगैरह चेंज किया ना। सीट अच्छा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।